मुख्यमंत्री बनाओगे तो गंगा में आग लगना ही है भाई साहब। गंगा भी है हमारे सांसदों और मंत्रियों को नहीं समझ में आ रहा है कि रिजर्वेशन गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसे सांसद चूंकि आप सड़कों पर निकले हैं तब इन सांसदों और मंत्रियों को ये समझ में आ रहा है कि आपने क्या किया। हम इसका विरोध करते हैं 10% आरक्षण का, क्योंकि ये सिर्फ आरक्षण आर्थिक आधार पर कहा गया है, लेकिन ये बेसिकली पहली बार विशुद्ध जातीय रूप से आरक्षण दिया गया है। दलित आदिवासियों को आरक्षण दिया गया था वो अस्पृश्यता के आधार पर, सोशल एक्सक्लूजन के आधार पर। ओबीसी को दिया गया था सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर, और 10% विशुद्ध जनों हुआ आरक्षण है। इसमें किसको मिलने वाला है हम सब जानते हैं। कहते हैं ओपन जनरल, जनरल का मतलब होता है ओपन फॉर एवरीवन। लेकिन भारत रत्न उठाकर देख लीजिए उसमें कितने सवर्ण हैं, कितने ठाकुर हैं, कितने भूमियार हैं, कितने कैसे उठाकर देख लीजिए। एक जनऊ लीला चल रहा है इस देश में, जल जनऊ लीला और मोदी लीला चल रहा है। साथियों दूसरी बात मैं रोस्टर पे कहना चाह रहा हूं, मैं इस मंच के माध्यम से और आपके सबके सामने मैं चुनौती देता हूं भारत सरकार का कोई सचिव आए और इस मंच से बताए कि इस 13-पॉइंट रोस्टर सिस्टम से यह साइंटिफिक है, इससे सामाजिक न्याय पूरा हो जाएगा। अगर ये साबित कर दे तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं, मैं नौकरी रिजाइन कर दूंगा। मैं चुनौती देता हूं भारत सरकार को, ये कुछ नहीं, ये काल्पनिक रोस्टर बनाया गया है। सबरवाल वाले केस में एक कहा गया था कि अब वैकेंसी बेस्ड नहीं पोस्ट बेस्ड अपॉइंटमेंट होंगे। अगली लाइन ये थी कि जब तक SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं होता है तब तक जो है अपॉइंटमेंट वैकेंसी बेस्ड ही होगा। मोदी जी आपके जनरल स्कूल ऑफ थॉट नागपुर से जो सरकार चला रहे हैं हम जानते हैं। आप आगे पब्लिक कीजिए, खाली विश्वविद्यालयों में नहीं, हर जगह, हर जगह ग्रुप ऑफ सर्विसेज में भारत सरकार के जितने उपक्रम है, और बताइए इस देश की जनता को कि क्या ये SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन लागू हो गया है क्या। तो नहीं, जो आप नहीं कर सकते हैं न्यायालय के द्वारा करवाते हैं उच्चतम न्यायालय ने। उनको तो वोट मांगना नहीं है, वोट तो आपको मांगना है। और जल्दी से इस सत्र में अध्यादेश लाओ, और सोशल जस्टिस खाली कहने के लिए नहीं, ये दिखना भी चाहिए। न्याय होना काफी नहीं है, न्याय दिखना भी जरूरी है मोदी साहब। तो ये रोजगार विरोधी, नौजवान विरोधी, आज अगर सही रोस्टर से अपॉइंटमेंट हो, वैकेंसी बेस में मांग करता हूं, तो आधा SC ST OBC का जाएगा, आधा ओपन रहेगा, उसमें सब लोग आएंगे। लेकिन ये सरकार किसी को रोजगार नहीं देना चाहती है, इसीलिए वो अपील में गई है कि वहां पे लटका के रखेंगे, किसी को नौकरी नहीं देंगे। तो आप में से जो लोग भी जो SC ST OBC में नहीं है, अपने हक के लिए भी कम से कम ये पूरे 200-पॉइंट रोस्टर सिस्टम, इसका आप समर्थन कीजिए, इस पर आंदोलन कीजिए, क्योंकि अपॉइंटमेंट होगा तो आपके लिए अपॉइंटमेंट। शुक्रिया साथियों, जय भीम।